गाइस मैं इतनी देर से इंडियन एस्थेटिक वाला बोल रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही क्रेजी मी सो लेट्स गो विद आर आयशा अरे वाह Hi guys, welcome back to my channel. This is Piyush Patel and you're watching my channel, P-Star Dreams. Thank you so much for watching this video. Well, this video is on types of aesthetics, fashion, you should know. So, इस वीडियो में मैं कितने टाइप्स ऑफ फैशन होते हैं मैं बताने वाला हूँ. Not every, but जो यू नो फेमिलियर है सबको ऑलमोस्ट पता है उसके बारे में बात करेंगे. एंड डोंट जज मी विथ माई हेयर स्टाइल. आई डोंट नो अभी मुझे कैसा लग रहा है. मतलब ऐसे यू नो रियलिटी में तो अच्छा दिख रहा है पता भी नहीं. बट या मुझे अच्छा दिख रहा है बट कैमरा में ना बहुत डिफरेंट लगता है. शक्ल बहुत डिफरेंट लगती है. दैट्स व्हाई जस्ट मैंने अभी यू नो शॉर्ट्स का ना लुक क्रिएट करने की कोशिश की शॉर्ट्स के लिए. सो ये आपको वीडियो शॉर्ट्स में देखने मिल जाएगा. सो डू वॉच इट. इस वीडियो का आई थिंक बाद में आएगा, इसके पहले तो नहीं आएगा. सो यस डोंट जज मी इसलिए मैं बोल रहा हूँ. प्लीज वो मैंने रिक्रिएट किया था इसलिए ऐसा लग रहा होगा. आई डोंट नो हाउ इट इज लुकिंग. ओके सो यस एंड या सो इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशन होते हैं जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल हो सकता है, कोरियन फैशन, ऐसे बहुत टोटल 10 फैशन मैंने पिकअप किया हुआ है. नॉट एवरी, बहुत सारे फैशन होते हैं लेकिन जो फेमिलियर है, जो फेमस है, ट्रेंडी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ. सो या लेट्स गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वीडियो. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं बताने वाला हूँ मैं पिंटरेस्ट पे बताने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा. ओके सो पिंटरेस्ट से बेटर और एस्थेटिक क्या ही हो सकता है. सो दैट्स व्हाट आई डोंट नो, आई एम फंबलिंग. बट यहाँ पे लैपटॉप है सो जस्ट बिकॉज मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग कर रहा हूँ सो डोंट ऐसा मत समझना कि मैं कुछ और जगह देख रहा हूँ. जस्ट बिकॉज यहाँ पे लैपटॉप है सो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वही मैं शेयर भी करूंगा स्क्रीन के ऊपर. सो डोंट वरी. सो या लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन एंड लेट मी शो यू स्ट्रीट स्टाइल फर्स्ट. कैसे आउटफिट्स होते हैं कैसे नहीं होते. तो ये वीडियो से ना आपको अपना फैशन भी मिल सकता है बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक वीडियो बट ऑल्सो वेरी इन्फॉर्मेटिव. जस्ट बिकॉज इफ यू डोंट नो योर स्टाइल देन हाउ टू फाइंड योर स्टाइल, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था. तो इफ यू हैवंट इट वॉच्ड इट सो इफ यू मिस्ड आउट सो डू चेक इट आउट दैट वीडियो. आई बटन में मैं अटैच कर दूंगा. एंड यार बालों की तो हालत हो गई है. सो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर दूंगा. जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ स्ट्रीट वेयर. सी स्ट्रीट स्टाइल स्ट्रीट वेयर एक ही होता है ऑलमोस्ट. स्ट्रीट वेयर फैशन आ गया अभी. हाँ मैंने पहले ही सर्च कर दिया. सो यस स्ट्रीट वेयर फैशन जैसे कि आप देख रहे हो पूरा आ चुका है. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्ट्रीट वेयर फैशन. एज यू कैन सी पूरा फीड ही बता देगा लाइक स्ट्रीट वेयर फुल जो है ना कंफर्टेबल. इट इज लाइक कुछ विंटर्स टाइप है लाइक कुछ यू नो थिक फैब्रिक्स है लाइक स्वेटर टाइप ऑफ मटीरियल वाले हैं. कुछ यू नो बेसिक सिंपल है. एज यू कैन सी दिस वन स्ट्रीट वेयर. अगर हम लोग ऐसा मतलब इफ़ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ यू नो लाइक लेयरिंग वाला चाहिए तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे आपको फुल लेयरिंग वाला मिल जाएगा. एज यू कैन सी देखो ये आ गया बीच में. देन दिस वन सभी लेयरिंग वाला पूरा आएगा वैसे ही चेस्ट पैटर्न में पूरा. सो इट इज एक्चुअली वो रिकमेंड करता है पिंटरेस्ट पूरा कि अगर आपको कौन सा चाहिए कौन से स्टाइल में चाहिए तो वैसा ही रिकमेंड करेगा. सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू नो स्ट्रीट स्टाइल कॉल्ड एज. स्ट्रीट स्टाइल में बहुत ओवर ड्रेस भी होते हैं कभी कभी और स्ट्रीट स्टाइल में यू नो लाइक अंडर ड्रेस भी होता है. अंडर ड्रेस आई मीन कंफर्टेबल होता है और कुछ कुछ बहुत ओवर ड्रेस होते हैं. तो ऐसा नहीं कि स्ट्रीट स्टाइल सिंपल ही होता है करके. नो इट इज वेरी हाई ऑन पॉइंट एज वेल. यू नो ज्यादा करके ऐसे बैगी कार्गोज एंड काइंड ऑफ ज्यादा यू नो पहनते हैं. सो एज यू कैन सी ओवर हियर सब बैगी ओवर. सो ये एक्चुअली बैगी फैशन यू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बैगी आउटफिट. सो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा लाइक स्ट्रीट वेयर. बट आई कैन रिकमेंड शॉर्ट हाइट के ऊपर ज्यादा बैगी अच्छा नहीं लगता है. तो इफ यू वॉन्ट लिटिल बिट इफ यू वॉन्ट टू स्टाइल एज अ बैगी सो मतलब थोड़ा सा ना ज्यादा भी बैगी मत पहनना, थोड़ा सा कम टाइप पहनना. सो यस दिस इज द स्ट्रीट वेयर स्ट्रीट स्टाइल फैशन एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता ही है. सो लेट्स गो विद जो मैंने स्टार्टिंग में जो फेमिलियर है ना वही रखा हुआ है. लास्ट में एकदम जो अलग अलग डिफरेंट है वो रखा हुआ है. ओके सो नाउ नेक्स्ट इज कोरियन फैशन जो कि माई पर्सनल फेवरेट है. मेरा स्टाइल है खुद का. मैं ऑलमोस्ट सब कोरियन. सो कोरियन फैशन सो लेट्स गो लेट्स एक्सप्लोर कोरियन फैशन. सो यस आइए सर्च करते हैं पिंटरेस्ट पे कोरियन fashion. See, the, finally the Korean fashion full एकदम आपके board पे आ चुका है, screen पे आ चुका है. So as you can see, simple भी है, basic, decent है, फिर overdress भी है. As you can see this one, ये मैंने इसका video बनाया था Korean outfit के ऊपर. So इसमें मैंने ऐसा ये outfit pickup किया था. इसके मैंने clothing के links भी share किए थे. Exactly तो नहीं, लेकिन kind of relatable clothing के links share किए थे. तो आप ना I button पे attach कर दूँगा. So आप
देख लेना. सो एज यू कैन सी नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो पूरा ऐसे है ना सॉफ्ट बेसिक, दिस इज द सिंपलेस्ट. एक और मैंने वीडियो बनाया था सिंपल कोरियन रीसेंट, जस्ट रीसेंट सिंपल कोरियन आउटफिट्स. इफ यू डोंट वांट टू स्टाइल ओवर ड्रेस देन सिंपल कोरियन आउटफिट्स भी आप स्टाइल कर सकते हो. लिंक आई बटन में अटैच कर दूंगा, सो डू वॉच दैट एज वेल. स्ट्रीट स्टाइल में जो मैंने बताया स्ट्रीट वेयर, इसमें बहुत ऐसा डिफरेंस है. बैगी है लेकिन दोनों भी बैगी है, लेकिन एज यू कैन सी इसमें कोई ऐसा प्रिंट टाइप नहीं दिख रहा है किसी भी आउटफिट में. मतलब ऐसे ये इसमें स्ट्रिप्स है बट ऐसे प्रिंट विंट नहीं है, ऐसे कार्टून ब्रूटून के और ऐसे काइंड ऑफ थिंग. स्ट्रीट्स वेयर में सब में नहीं होते लेकिन कुछ कुछ में होते हैं, टी शर्ट्स में होता है या फिर सी दिस इज द बेसिक प्लेन प्रिंटेड. सो ऐसे कोरियन आउटफिट की यही खासियत है कि ज्यादा प्रिंटेड नहीं रहता है. दिस इज द विंटर स्टाइल एज यू कैन सी, एंड ये बहुत ऐसा कूल लगता है. अभी नीचे करोगे तो फुल कार्डिगन, दिस इज द कार्डिगन, ऑल कार्डिगन आउटफिट्स. फैशन की यही खासियत है कि कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कलर्स बहुत डिसेंट होते हैं, इवन अगर डार्क भी हो तो भी बहुत अच्छे लगते हैं. सो दिस इज द बेस्ट, वेरी सिंपल, वेरी यू नो डिसेंट आउटफिट्स. सो दैट्स वाई कोरियन फैशन, के फैशन. जस्ट ओपन द इंस्टाग्राम, आई मीन पिंटरेस्ट, एंड यू कैन जस्ट सर्च इट के फैशन, सो दैट के फैशन कोरियन फैशन आउटफिट्स. आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे. एज यू कैन सी मैं नीचे स्क्रोल करते जा रहा हूँ तो आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है. सो येस, दिस इज द कोरियन फैशन. ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स आर थर्ड, एंड थर्ड इज obviously यार इंडियन एथनिक ट्रेडिशनल वेयर, ट्रेडिशनल एथनिक फैशन. सो ये तो बहुत ही जरूरी है, मतलब वाई नॉट यार. मतलब इतने फैशन आ गए बाहर, यू नो लाइक फॉरिन कंट्रीज से, दिस फैशन दैट फैशन, वाई नॉट इंडियन फैशन. सो डेफिनेटली. और थर्ड पे अगर कुछ लोग बोलेंगे कि थर्ड पे क्यों रखा है, पहले पे रखना चाहिए था. सो आई एम नॉट रैंकिंग एनी लाइक ऐसा कि फर्स्ट ये ही अच्छा है तो ये मैंने स्ट्रीट स्टाइल फर्स्ट पे रखा है, कोरियन सेकेंड है तो सेकेंड पे अच्छा है तो सेकेंड रखा है, ऐसा नहीं है. सो डोंट से दिस जस्ट बिकॉज अभी आ गया तो आ गया मेरे दिमाग में, अभी जो जो आ रहा था वो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिया. अभी ऐसा नहीं कि इंडियनों के फिर कुछ लोग बोले इंडियनों के फिर थर्ड पे रख दिया, आई एम नॉट रैंकिंग. ओके फर्स्टली तो यस. सो आइए सर्च करते हैं पिंटरेस्ट पे एथनिक. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फुल एकदम एथनिक, सच अ कूल, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, सिंपल एस्थेटिक, इंडियन एस्थेटिक्स. So, as you can see, full एकदम ना एकदम चिकन करी के कुर्तेज हैं कुछ, एंड इवन मैंने ट्रेडिशनल एथनिक के ऊपर भी वीडियो बनाया. सो इफ यू हैवंट इट वॉच डू वॉच इट, आई बटन में अटैच कर दूंगा. सो येस, दिस इज वेरी एस्थेटिक. आई थिंक मुझे दो बहुत पसंद आते हैं, तीन आई थिंक पसंद आते हैं. वन इज कोरियन फैशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सेकेंड इज इंडियन एथनिक फैशन, एंड थर्ड एक मिनिमलिस्ट फैशन, आगे मैं बताने वाला हूँ. सो येस, बॉयज में ना ज्यादा करके एस्थेटिक, इंडियन एस्थेटिक ज्यादा यू नो ये नहीं करते हैं. बट इफ यू अगर मैं सर्च करूँ गर्ल्स के इंडियन एस्थेटिक तो मैं आपको बता देता हूँ फिर भी. ओके, देसी एस्थेटिक, देसी एस्थेटिक लिखा ना पूरा एकदम. सी दिस इज दी यू नो फुल गर्ल्स का एकदम देसी एस्थेटिक. As you can see, स्क्रीन पे आप देख रहे हो फुल एकदम देसी देसी, कितना अच्छा लगता है ना. ऐसे बॉयज में ज्यादा कोई ऐसा देसी एस्थेटिक ज्यादा कोई बनाता नहीं है, बट इवन गर्ल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन देसी एस्थेटिक काइंड ऑफ अ थिंग. जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट दिस इज फ्रॉम द गर्ल साइड, से अपना कुछ काम का है नहीं, जस्ट बिकॉज मैं बता रहा हूँ देश के एस्थेटिक. सो ऐसे मेन साइड से ऐसा कोई ज्यादा एस्थेटिक वेस्थेटिक इंडियन स्टाइल में कोई बनाता नहीं है, सो दैट्स वाई. बट या मैं कोशिश करूंगा. ओके, दिस वॉज आर इंडियन देसी एस्थेटिक, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा. नाउ लेट्स गो विथ आर फोर्थ वन, एंड फोर्थ इज विंटेज फैशन, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं यू नो ट्राई करने की कोशिश करता हूँ हर बार, एंड इट्स एक्चुअली लुक वेरी गुड. सो लेट्स गो विथ आर इंडियन, सॉरी विंटेज फैशन. तो विंटेज फैशन आप पिंटरेस्ट पे जाके ना, मतलब विंटेज फैशन, विंटेज आउटफिट्स, और एल्स 70s फैशन आउटफिट्स, और एल्स 80s 90s ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो, और एल्स रेट्रो फैशन भी सर्च कर सकते हो. सो विंटेज एंड एवरीथिंग ये इससे ही रिलेटेड है. जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे बहुत कूल लग रहा है. आई मीन जो बेल बॉटम्स है ना, मतलब इतने अच्छे लगते हैं ना बेल बॉटम्स. एज यू कैन सी दिस वन, सी मतलब इसके बेल बॉटम एंड काइंड ऑफ एवरीथिंग, द आउटफिट एंड एवरीथिंग इज सो कूल. सी दिस वन अगेन, आई मीन इतने अच्छे आउटफिट्स होते हैं ना विंटेज के, मतलब आई थिंक ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है. मैंने ये ऐड नहीं किया एक्चुअली, बोला तब मैंने, बट या ये बहुत फेवरेट है. सी दिस वन ऑल्सो, दिस इज वेरी कूल. एंड जरूरी नहीं कि मतलब ट्राउजर्स ही होते हैं, लाइक जीन्स वीन्स भी होती है. मैं जीन्स का बता देता हूँ एक बार. सी दिस वन,
So this is a vintage fashion. It is looking very cool. And see, इसका भी bell bottom, as you can see downwards, ये जो jeans है ना यहाँ पे like cut वाला है. So yes, see this is again, ये exactly vintage fashion नहीं है, ये mixture किया हुआ है. But yes, let's go with our fifth one. And fifth is soft boy aesthetic fashion. इसके ऊपर मैंने video भी बनाया था personally, इसके related soft boy aesthetic outfits के ऊपर. So do check it out, that video I button में attach कर दूँगा. So yes, let's search soft boy outfits. तो जैसे कि मैंने सर्च किया सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक, आप देख सकते हो फुल एकदम, यू नो दिस इज ए सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक आउटफिट एक्जैक्टली. यू नो ज्यादा करके इससे बोला जाता है सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन ज्यादा करके लोग इससे ही जानते हैं, यही सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक है करके. सो यस, सो दिस इज व्हाट सॉफ्ट बॉय आउटफिट्स. So this are some soft boy fashion, you know, अभी मैं सब कुछ सर्च एक साथ कर रहा हूँ तो सब कुछ कुछ ना बीच पे कुछ डिफरेंट ही आ रहा है, लाइक स्ट्रीट वेयर भी आ जा रहे हैं, कुछ अलग ही आ जा रहा है. सो दैट्स वाई आप सर्च करना, अगर आप यू नो न्यू न्यू हो तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज मैं अभी पूरा सर्च कर रहा हूँ तो अलग अलग आ जाएंगे. लेट्स गो विद आवर सिक्स्थ वन. एंड सिक्स्थ इज मिनिमलिस्ट फैशन. जैसे कि मैंने बोला मेरे जो तीन फैशन जो मुझे पसंद है, सो उसमें से ये एक फैशन है मिनिमलिस्ट फैशन. सो यस, लेट्स सर्च इट. पूरा मिक्सचर हो गया तो पता नहीं अभी आएगा कि नहीं. सो जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज अ मिनिमल मेन्स फैशन. यू नो लाइक कोरियन फैशन एंड मिनिमल फैशन काइंड ऑफ सिमिलर ही होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है. तो जैसे कि आपने देखा मिनिमल स्टाइल एंड कोरियन स्टाइल मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मिनिमल स्टाइल और कोरियन स्टाइल क्या होता है करके. लेट्स गो विद आवर कौन सा पॉइंट, हाँ सेवेंथ, दैट इज ई बॉय फैशन. एंड ये मैंने आई थिंक एक बार स्टाइल, दो तीन बार स्टाइल किया हुआ है, पहले भी मैंने वीडियो भी बनाया है, लाइक रील्स शॉर्ट पे अपलोड किया हुआ है. तो ई बॉय आउटफिट ना एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, हम लोग इंडिया में उन लोग को छपरी काइंड ऑफ बोलते हैं, बट इट इज नॉट एक्जैक्टली छपरी. आई डोंट मीन ई बॉय इज वेरी डिफरेंट, एज छपरी से कंपेयर नहीं कर सकते. अगर इंडिया में कोई पहने तो लोग उसको छपरी बोल देते हैं. आई डोंट नो, लाइक शर्ट होता है व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं, लाइक हाफ स्लीव टी शर्ट. सो दिस इज एक्चुअली ई बॉय आउटफिट, जस्ट लाइक एन soft boy outfit कैसे होता है वैसे ही होता है, just black and white में होता है and थोड़ा सा you know accessories ज़्यादा होते हैं. so yes, women's में भी होता है, जैसे कि मैंने बोला accessories ज़्यादा use करते हैं. तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे pant में भी you know jeans में chains लगाते हैं. so these are all e-boy outfits. let's go towards our I think eighth one. Eighth one. That is Y2K fashion. So let's search Y2K fashion. सो वाई टू के फैशन ना आई मीन ज्यादा करके अभी एक्चुअली ज्यादा ट्रेंडिंग में आने लगा है. जेन जी जनरेशन ज्यादा ट्रेंडिंग करने लगे, मतलब इनको ज्यादा आई थिंक पसंद आ रहा है वाई टू के फैशन. एंड या बहुत कूल भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन वाई टू के फैशन में ना डिफरेंट डिफरेंस होते हैं. लाइक कुछ कुछ वाई टू के फैशन लाइक ओवर एक्सपोजिव होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं. सो दिस इज द Y2K फैशन. जैसे कि आप देख रहे हो Y2K फैशन के गॉगल्स ना, मतलब सनग्लासेस बहुत डिफरेंट होते हैं. एज यू कैन सी दिस इज द सनग्लासेस ऑफ Y2K फैशन. ऐसे इसको स्पेशली नेम दिया गया Y2K फैशन सनग्लासेस. सो यस, सी दिस इज द Y2K फैशन अगेन. Y2K फैशन मैंने पहले बताया वो भी Y2K फैशन होता है, लेकिन ये भी Y2K फैशन होता है. तो यस, let's go with our ninth, and that is boho fashion. bohemian aisa bol sakte hain. so yes, so jaise ki aap dekh rahe ho maine search kiya bohemian style men, aur it's you know mujhe bohemian aur hippie style aisa kuch similar hi lagta hai, aisa kuch different nahi lagta hai. matlab hippie style men outfits aur it's bohemian style kind of you know similar lagta hai. so jaise ki aap dekh rahe ho yahan pe bohemian style kaisa hai, full free flowy outfits, and I don't think koi aisa prefer karega pehnne ke liye, but if you are going to beach kind of a thing, aise kuch acche se aapko dress आउट करना है, इंडिया में तो ऐसे कुछ पहनता नहीं है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू इंटरनेशनल ट्रिप्स यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ आउटफिट्स. एंड ऐसा नहीं कि गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इट इज काइंड ऑफ फ्लोवी, बट हमारे इंडिया में ऐसे नहीं पहनते हैं. सो दैट इज द थिंग. सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी, सो दिस इज व्हाट बोहेमियन स्टाइल, यू नो ये ऐसे इंडियन टाइप ऑफ टच देता है, मुझे तो ऐसा इंडियन टाइप ही लगता है. सो यस, बोहेमियन इंडियन ट्रेडिशनल अपना इंडियन टच. सो या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कॉल्ड बोहेमियन. सो एज यू कैन सी डाउनवर्ड्स एज वेल, मैं बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे नीचे नीचे, ज़्यादा करके लिनन्स का और ऐसे काइंड ऑफ क्लोथ ज़्यादा मिलेंगे आपको. So I hope you got it. What is boho fashion, bohemian fashion? So yes, let's go with our 10th one, and that is Japanese fashion, Japanese outfit. So yes, so जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने Japanese fashion सर्च किया हुआ है. So this is actually what Japanese fashion. ये भी baggies होते हैं, like ज़्यादा करके baggy, you know, balloon pants and ऐसे सब कुछ होते हैं.
तो यस दिस इज व्हाट यू नो जापानीज सो दिस वन इज वन मोर एग्जांपल ऑफ जापानीज फैशन आपको अगर एक्सट्रीम लेवल ऑफ जापानीज फैशन देखना है तो लेट मी शो यू ओके शायद आपको ऐसे शौक होगा कुछ डिफरेंट डिफरेंट देखने का तो मैं बता देता हूँ सो यस दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ फैशन जापानीज फैशन एंड या जैसे कि मैंने बोला ना ऐसे बहुत बैगी होते हैं जापानीज में जापान फैशन में सो या दिस इज दी वन बैगी फुल्ली बैगी यू नो जापानीज स्ट्रीट वेयर भी बहुत डिफरेंट होते हैं अगर मिला तो मैं बता देता हूँ वेट इफ आई गॉट इट देन आई विल शो हाँ सो जापानीज स्ट्रीट वेयर फैशन में आपको बता देता हूँ सी जैसे कि मैंने बोला ओवर ड्रेस बैगी और जरूरी नहीं कि सभी ओवर ड्रेस ही पहनते हैं सो या दिस इज दी वन जैसे कि आप देख रहे हो काइंड ऑफ दिस वन अगेन दिखने में बहुत सब कुछ कूल लगता है लेकिन फिर वो कभी कभी ओवर ड्रेस हो जाता है ना तो फिर अनकम्फर्टेबल फील होता है बट स्टिल इट इज वेरी कूल वेरी कूल So yes, this is all 10 fashions जो मैंने different different you know बताए आपको बहुत different different type of fashions है grunge outfits grunge fashion है बहुत hippie fashion है so बहुत different different type of fashions है लेकिन जो you know ज़्यादा करके लोग जानते हैं and ज़्यादा you know trending है वैसे kind of aesthetics वैसे kind of मैंने fashion you know आपको बताने की कोशिश की है and yeah that is it for this video and if you like this video then you make sure you subscribe my channel also like comment share and follow me on Instagram link is available in the description and handle over here so yes and I have tried my best I don't know ye video kaisa aaya hai kaisa nahi aaya maine koi concept nahi banaya tha maine kya bola hai kya nahi bola hai mujhe khud ko nahi pata but yeah I have tried my best ki main video ko acche se bana paun that's it milte hain agle video mein then stay tuned and take care of yourself bye bye